नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इसके अलावा राजस्थान से राज्यसभा में सांसद ओम प्रकाश माथुर जी। बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश माथुर जी नमस्कार। आपका। हालांकि जो मुझे लगता है ये इंट्रोडक्शन दिया है काफ़ी छोटा है, क्योंकि आप राजस्थान में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो जिम्मेदारी भी आपने संभाली, यूपी प्रभारी हैं, यूपी का इंचार्ज पूरा संभाला है। महाराष्ट्र का जिक्र करें, एमपी का जिक्र करें, या फिर गुजरात का जिक्र करें, तो नतीजों को आपने जिस तरह से बेहतरीन ढांचे में ढाला वो वाकई काबिले तारीफ रहा। लेकिन अभी राजस्थान के चुनावी समर में किस तरह से आपको लगता है कि आपकी यानी कि बीजेपी की सरकार क्या बनने वाली है? निश्चित रूप से बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी। ये जो धारणा बनी हुई है राजस्थान में कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, मैं आपको बता दूं कि इस धारणा को थोड़ा पीछे ले जाना चाहिए। 90 में भी हमने हमारी सरकार बनाई थी और 93 में भी हमने हमारी सरकार बनाई थी। तो ये जो एक प्रचार किया जा रहा है कि राजस्थान में सरकारें बदलती रहती है, और इसके साथ साथ इस बार लगातार 5 साल से हम यहाँ काम राज कर रहे हैं और केंद्र में पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं राजस्थान बनने के बाद कि केंद्र में भी हमारी सबसे लोकप्रिय, आज तक की आज़ादी के बाद सबसे लोकप्रिय हमारी सरकार सरदार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जिसने गांव, गरीब, किसान, मजदूर यानी सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ रही है। तो मेरा मानना है कि केंद्र के किए गए विकास के कार्य और राजस्थान सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्य, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि राजस्थान से मेरा पिछले 45 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में काम करने का मौका मिला है। वर्षों तक राजस्थान का मैं प्रदेश महामंत्री संगठन रहा हूँ, उस समय लगातार हमने 2 बार मिलीजुली सरकारें बनाई है। तो जो संगठनात्मक ढांचा हमारा है, मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात, ये 3 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ हमारा संगठनात्मक ढांचा सबसे मजबूत है। तो इन 2-3 आधारों के आधार पर मेरा प्रबल मानना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। लेकिन माथुर साहब, पब्लिक परसेप्शन की बात करें, क्योंकि वो भी बहुत मायने रखता है, अगर ज़्यादा दूर नहीं 2-2.5 महीने पहले जाएं तो पब्लिक परसेप्शन ये सामने आ रहा था कि 40 से 50 सीटें, उसके बाद एक बदलाव सा थोड़ा देखने को मिला और अब 70 से 80 तक, हालांकि बीजेपी अपनी तरफ से इसे और प्लस में जोड़ रही है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन, ये परिवर्तन किस तरह से आपको लगता है हुआ है 2 से 2.5 महीने? देखिए, निश्चित रूप से एक बीच में धारणा बना दी गई या बन गई कि राजस्थान में इस बार सरकार बदलने वाली है, लेकिन हमको हमारे संगठन कौशल्य पे भरोसा था। ये पहली बार हुआ होगा कि राजस्थान के सभी 53,000 बूथ पर हमारा कार्यकर्ता पिछले साल भर से सक्रिय है, और कार्यकर्ता ही नहीं, हर बूथ पे हमारी बूथ समिति है, और समिति नहीं, उस समिति में हमारा सोशल इक्वेशन है। और जिस प्रकार से हमने विकास का काम किया है वो काम हमने गांव-गांव तक पहुँचाया है, और पिछले 2-3 महीनों से पार्टी जिस प्रकार से चुनावी माहौल बना करके लगी है, और संगठन अलग, पब्लिक के बीच में जाना अलग, और देखिए कोई एक पार्टी का लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक बूथ अध्यक्ष से सीधा संवाद करे, ये सारी धारणाओं से अब आप ही कहने लगी कि निश्चित रूप से बदला है। आप और इंतजार करिए 2-4 दिन का, आपको ही कहना पड़ेगा कि राजस्थान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। आपका जो शायद यही कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो लगातार देखने को मिलता रहा, और खासतौर से यूपी की बात करें तो एक अलग ही धारा वहां पर जब बीजेपी की बही तो सबसे जो बड़ा योगदान देखा गया वो आपका देखा गया। क्या आप मानते हैं अलवर की सभा में जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप कर्मठ और समर्पित सेनापति हैं? दरअसल सिपाही कहना अलग होता है, लेकिन सेनापति कहना, क्या इसके राजनीतिक मायने यहाँ पर? देखिए, मैं कुल मिला करके कार्यकर्ताओं पे भरोसा करके आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको यूपी से भी मध्य प्रदेश के पास ले जाऊँगा। 2001 में मुझे वहाँ प्रभारी बना के भेजा गया, और 10 वर्षों से कांग्रेस का शासन था वहाँ, और कोई नहीं मानता था कि बीजेपी शासन में आएगी, लेकिन 2 साल मेहनत करके हमने जिस प्रकार से वायुमंडल कार्यकर्ताओं, हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इस पार्टी का कार्यकर्ता जब संकल्प कर लेता है तो निश्चित रूप से कोई मानता ही नहीं था, और हमने बिल्कुल 10 साल के शासन को उखाड़ के फेंका। उसके बाद मुझे जब गुजरात भेजा गया तो गुजरात में लगातार 10 साल काम किया, और जिस प्रकार से आदरणीय मोदी, देखिए मोदी जी लीडर के साथ साथ कुशल संगठनकर्ता भी है, और संगठन में क्या क्या नई चीज़ जोड़नी चाहिए वो प्रतिदिन प्रतिक्षण उनके मन में उपस्थित रहती है। तो उसकी वजह से 10 साल तक लगातार कोई नहीं मानता, यानी क्या क्या नहीं कहा गया हमको गुजरात में हमारे विरोधियों द्वारा,
लेकिन वहाँ पे हम लगातार सरकार बनाते आए। उसके बाद मुझे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र भेजा गया। महाराष्ट्र में 35 साल से छोटे भाई के रूप में काम कर रहे थे, कोई मान ही नहीं रखता कि बीजेपी का भी सीएम बनेगा, लेकिन वहाँ पे भी जब कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया, छोटा भाई 35 साल के बाद बड़ा भाई के रूप में आया। और जब मुझे उत्तर प्रदेश भेजा गया तो 405 में मात्र 47 सीट थी हमारे पास, और हमने जब 265 का नारा दिया तो हमारी मजाक मीडिया द्वारा भी, जनता द्वारा भी, और हमारे लोगों में भी संशय था। लेकिन जब कार्यकर्ता खड़ा हो गया और जब चुनाव आते आते वायुमंडल बना और हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि इस बार स्लोगन दो, इस बार 300 पार, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेतृत्व ने 325 सीट दिला करके यूपी में भी 14 साल का वनवास, 15 साल का वनवास दूर करके सत्ता में लाए। और इसलिए हमें हमारे संगठन कौशल्य पर, हमारे किए गए काम पर, मुझे बताइए आज तक हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने 5 साल का हिसाब लेके जनता के बीच में जाए? ये राजस्थान की मुख्यमंत्री है जो 5 साल का हिसाब लेके जनता के बीच में गई। हालांकि कांग्रेस बार बार लगातार इस पूरे चुनावी समर में जो उफान आ रखा है, कह रही है कि भाई हम सवाल पूछ रहे हैं, आप सत्ता में, आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन जो दिग्गज हैं बीजेपी के वो खुद कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। उनका सीधा तौर पर आरोप यह है कि जो सवाल हम सत्ता पक्ष से पूछ रहे हैं वो जवाब यहाँ पर नहीं मिल पा रहा। नहीं, जवाब जनता भटकाने की कोशिश, राजनीतिक क्षेत्र का जवाब जनता देती है, मतदान से देती है जनता। और ये सवाल कैसे पूछते, दुर्भाग्य है कि कांग्रेस डिबेट के लिए तैयार नहीं है। मैं किसी भी मेरे छोटे से छोटे कार्यकर्ता और कांग्रेस के बड़े से बड़े कार्यकर्ता को कहूँगा कि उन्होंने 55 साल शासन किया, 5 साल हमने शासन किया, तुलना करके देख दे, पॉइंट टू पॉइंट तुलना करे। लेकिन उठपटांग और फिर हल्कापन करना, यानी विरोधी बेल्ट, दुर्भाग्य है कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसके सारे लीडर्स आज जाति का विषय उठा रहे, धर्म का विषय उठा रहे, पिता का विषय उठा रहे, अगर वो पूछते सवाल, डिबेट में आते, विकास करते और उनका विजन लेके जाते, हमसे तो सवाल पूछे, लेकिन जनता उनसे भी पूछना चाहती है कि आप क्या करोगे। पर कॉन्फिडेंस इस बार ज्यादा शायद इसलिए दिखाई दे रहा है, जैसा कि शुरुआत में ही आपने कहा कि सत्ता जो परिवर्तन यहाँ पर 5 साल में हुआ है, अब कांग्रेस को ये विश्वास हो रहा है कि भाई अब तो हमारा सत्ता पर काबिज होने का वक्त आ गया है। मतलब वो शायद इसी जो धारा बही चली आ रही है बरसों से, उसी को आपको लगता है मजबूत आधार मान रही है? उसी उत्साह में वो गलत काम किए जा रहे हैं, उसी उत्साह में। आज उनका एक लीडर जो राष्ट्रीय महामंत्री भी रहा या मिनिस्टर्स भी रहा, पार्टी में बड़ा व्यक्ति भी रहा, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज वो ये कहता है कि धर्म की बात, ज्ञान की बात ब्राह्मण कर सकता है? दुर्भाग्य है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनका बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या कहना है, जिन्होंने इतने बड़े लोकतंत्र का एक संविधान निर्माण किया। उनका वाल्मीकि जी के बारे में क्या कहना है, उनका रैदास के बारे में क्या कहना है, उनके कबीर के बारे में क्या कहना। कांग्रेस ने 70 वर्षों तक समाज को बांटो, वर्ग को बांटो, जातियों को बांटो, वर्ण भेद करो, ये करके वंशिका देने, यानी कब 45 वर्ष पहले उनकी नेता ने कहा था गरीबी हटाओ, और आज वो गरीबी की चिंता कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। अरे आपके नेता ने तो 45 वर्ष किया था, उसके बाद लगातार 40 वर्ष आप लोगों का राज रहा इस देश की धरती पर, आपने क्यों नहीं गरीबी हटाई, आज क्यों वो गरीब को याद कर रहे हैं? लेकिन अब अगर हम राजस्थान के पूरे चुनावी माहौल को देख रहे हैं, टिकट वितरण, खूब तस्वीरें लगातार सामने आती रही, चाहे वो कांग्रेस से सामने आई, चाहे वो बीजेपी से सामने आई, लेकिन क्योंकि आपने राज्य स्तरीय राजनीति के बाद राष्ट्रीय राजनीति का जो रुख किया, वहां भी लगातार अब आपका कद बढ़ रहा है। माना जा रहा है, जो अंदर खेमे से लगातार खबरें आई, कि टिकट वितरण में सीएम वसुंधरा राजे के अलावा कहते हैं कि किसी की बहुत ज्यादा चलती नहीं है, लेकिन आपके अपने समर्थकों, जिन पर आपको विश्वास रहा, 15 से 20 समर्थक ऐसे रहे जिन्हें आपने टिकट दिलवाया और अब वो चुनावी मैदान में यहाँ पर है, ये कैसे मुमकिन हो पाया? क्योंकि जो अब तक एक परसेप्शन बना हुआ वो ये है कि मैडम के सामने मतलब किसी की चलती नहीं है, बहुत कम लोगों की सुनती है, आप उनमें शामिल हैं। आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ने दे दिया। मैं कहता हूं पहली बार राजस्थान में टिकट वितरण को लेकर के पार्टी के प्रत्येक कैडर को, बाकी जो पूर्व कैडर को, वर्तमान सारी परिस्थितियों को, सोशल इक्वेशन को ध्यान में रख करके मैं कहता हूं, मैंने भी 5-6 चुनाव कई प्रदेशों में लगाए, लेकिन जिस प्रकार से टिकटों का वितरण यहाँ हुआ है, और आपको लगा होगा एक तरफ हमारे टिकट वितरण हुए, 2-4 जगह छोड़ दूँ मैं, बाकी एक दूसरी तरफ कांग्रेस का टिकट वितरण हुआ है,
किस प्रकार से दो दो तीन तीन चार चार बार टिकट चेंज किए गए, और चेंज ही नहीं, टिकट नहीं मिलने के विरोध में सड़कों पे आए लोग, सरकारी संपत्तियों को नुकसान किया, पार्टी के कार्यालयों को तोड़ा। मगर मातुर साहब, ये चीज बीजेपी में भी देखने को मिली, जो बागी रहे। ऐसा कहीं बीजेपी में नहीं हुआ, ऐसा कहीं पे भी बीजेपी में नहीं हुआ। पाली से तो आप खुद हैं। नहीं, मैं हाँ पाली में हूँ ना, मैं कहता हूँ ना, चार पांच जगह हमारे भी है, लेकिन ऐसा व्यवहार किसी ने नहीं किया जो बीकानेर में दृश्य खड़ा हुआ, और जो दो चार जगह दृश्य खड़ा हुआ, ऐसा कहीं नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी चार पांच जगह हुए, लेकिन आज पूरी तरह से पार्टी एक है। और जहां तक मानवेंद्र सिंह जी का आपने प्रश्न किया है, मानवेंद्र सिंह जी पिछले चार पांच सालों से पार्टी से भिन्न राय अपनाए हुए हैं, और इसलिए उन्होंने अपना एक रास्ता तय किया है। मानवेंद्र सिंह जी एमएलए रहते हुए अलग राय पे चल दिए थे, तो उन्होंने अपना रास्ता तय किया। ठीक है, हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र में अपना रास्ता चुनने का अधिकार है, और इसलिए मानवेंद्र सिंह की वजह से कोई हमारी पार्टी का कोई असर हुआ हो, वो मैं कतई नहीं मानता। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो एक बड़ी चुनौती मिल रही है वो बागियों से भी मिल रही है, चाहे हम दोनों ही पार्टियों की बात करें, वो बड़ी चुनौती बागियों का, वो बगिया ना उजाड़ दे, इस तरह की बात है। अमित शाह ने अभी राजस्थान में चुनावी दौरों के आने से पहले ही कह दिया था कि भाई अगर कोई रूठा हुआ है तो मैं भी मनाऊंगा, और वो माथुर भी मनाऊंगा। हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो वो किस स्तर का कोशिश, मुझे इतना अनुभव है इन चीजों का, और एक नहीं, मैं लगभग छह प्रांतों में इन सब चीजों को फेस कर चुका हूं। और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि रूठों को मनाने का काम हम सीनियर लोगों का है, और हम मना रहे हैं लगभग लगभग सब जगह। आज मेरा मैक्सिमम काम ये इसमें है, और इसका परिणाम भी आ रहा है, लोग पूरी ताकत से लगे, और निश्चित रूप से इसके परिणाम से ही आप लोगों की धारणा में भी अंतर आ रहा है कि बीजेपी सत्ता की ओर आगे बढ़ रही है। पर इस बीच सीएम वसुंधरा राजे और आपके बीच जो राजनीतिक कुछ, चाहे कुछ ऐसे मुद्दे रहे हों जिन्हें लेकर वैचारिक मतभेद सामने आए, इस तरह की खबरें लगातार सामने आई, लेकिन टिकट वितरण में एक नेचुरल अलायंस देखने को मिला। अब अगले साल लोकसभा में मई में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, आपको लगता है कि उसमें भी ये गठबंधन जारी रहेगा? निश्चित रूप से, देखिए पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता का विचार भेद हो सकता है, बेहतरीन, लेकिन जब पार्टी निर्णय कर देती है, मनभेद हमारे यहाँ नहीं होता है। मतभेद चलेगा, मनभेद नहीं। हाँ, विचार भेद, और इसलिए हरेक के मन में रह सकती है, कुछ बनाया भी जाता है इस तरह का। ओम प्रकाश माथुर पार्टी का कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के नाते मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी जो भी दायित्व दे उस दायित्व को मैं निभाता हूँ, और ये मुझे मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व भी जानता है और प्रदेश का कार्यकर्ता भी जानता है। और कार्यकर्ताओं से सने, क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं के बीच में ही निकला हूँ। ओम प्रकाश माथुर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं है, कोई सोशल बैकग्राउंड का नहीं है, मैं धीरे धीरे काम करते करते वर्कर्स के बीच में से, और इसलिए मुझे ओम प्रकाश माथुर या ओम जी माथुर कम जानते हैं, ओम जी भाई साहब के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और या नहीं, मैं कब 2001 में मध्य प्रदेश का प्रभारी रहा, आज भी मध्य प्रदेश से मेरा जीवन संपर्क है। मैं कब गुजरात का प्रभारी रहा, आज भी मेरा गुजरात से जीवन संबंध है। तो कार्यकर्ता के नाते, जब कार्यकर्ता अपने लीडर को भी कार्यकर्ता के भाव से जानता है, तो निश्चित रूप से वो उससे स्नेह और प्यार बना रहता है। और ये पार्टी हमारी जो आज यहाँ तक बैठी है, यहाँ तक पहुँची है, ये कार्यकर्ताओं के समर्पण से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से। मैं कहता हूँ, जिस पार्टी में 11 करोड़ मेंबरशिप हो, लीडर कितने बनते हैं, MLA कितने बनते हैं, MP कितने बनते हैं, मिनिस्टर कितने बनते हैं, एक लिमिटेशन से, लेकिन कार्यकर्ता रात और दिन एक करके लगता है। और आपने उत्तरांचल में भी, उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा कि किस प्रकार से एक बार टिकट वितरण के बाद हल्ला मचा, लेकिन सब पूरी ताकत से लगे। तो जब पार्टी को ध्यान आ जाता है कि मुझे मेरे लीडर के पीछे बढ़ना, मेरी पार्टी के पीछे बढ़ना, और आज नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक कार्यकर्ता के दिल में ऐसे बस गए हैं कि वो जो चाहे वो कार्यकर्ता करने के लिए। चलिए, और एक बहुत अहम बात आपने इस दौरान कही कि मनभेद नहीं है लेकिन मतभेद है। अमूमन पार्टियां ये भी नहीं मानती है कि आपस में मतभेद है, और अगर पार्टी में तमाम इतने लीडर्स हैं, सबके अपने विचार हो सकते हैं, कम से कम इतना माना, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी कि भाई मानने को कभी तैयार नहीं होंगे, हमेशा कहेंगे ना कोई मतभेद है और मनभेद है, पर इस चीज को माना है, और साथ ही अपना पक्ष भी लगातार आपने सामने रखा है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस में आगे ओम प्रकाश माथुर जी से कुछ सीधे सवाल भी होंगे, कुछ तीखे सवाल भी होंगे, जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा फेस टू फेस।
एक बार फिर से फेस टू फेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ ओम प्रकाश माथुर जी मौजूद हैं और ब्रेक में जाने से पहले तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। ओम प्रकाश माथुर जी, एक बार फिर से इस बातचीत की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी को राजस्थान की बखूबी जानते हैं। आपने यहाँ पर कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क साधा है, जैसा कि हमने कहा राष्ट्रीय राजनीति में आप भले ही चले गए हों, लेकिन राजस्थान के प्रति जो आपका दायित्व, शायद यही वजह है कि एक बार फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर हम इस चुनावी समर में आपको देख रहे हैं। लेकिन अगर सीएम राजे की बात की जाए तो हाउ डू यू रेट सीएम राजे एज अ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? मैं कहता हूं उससे लोकप्रिय और उससे जिस प्रकार से विजन से लेकर के जो उतरे हैं पहली बार राजस्थान में, यानी एक एक खाली भामाशाह योजना का उदाहरण लीजिए। आज गांव में जाके पूछिए किस प्रकार से गरीब का इलाज हो रहा है, जिस प्रकार के उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चलाई है, क्योंकि राजस्थान में पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, आज हमारी 500 गांवों में पानी की संचय की व्यवस्था हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर हाई सेकेंडरी स्कूल्स बनाई है, ये पहली बार हुआ राजस्थान में। एक साथ एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि स्कूलें कम कर दी, अरे उनसे पूछिए कि आपके ज़माने में पंचायत पे मिडिल स्कूल तक नहीं होती थी, प्राइमरी नहीं होती थी, आज प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर हाई सेकेंडरी स्कूल बनी है, और इसके साथ साथ पहली बार गांव में स्वच्छता को लेकर के सीसी रोड्स एक एक पंचायत में, 95 पंचायतें पूरी हो चुकी। वो तो ये जो काम उन्होंने किया है निश्चित रूप से जनता के बीच में उनका एक स्थान है, एक विजनरी के साथ उन्होंने प्रदेश का विकास किया है और जनता उनके साथ है। पर माथुर साहब, आपने इतनी जिम्मेदारियों को यहाँ पर निभाया है, लंबा वक्त भी आपके राजनीतिक करियर को हो गया है और ज़्यादा जुड़ाव भी राजस्थान की जनता का, समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, तमाम दिग्गजों का आपके साथ लगातार बना रहा है, कभी जहन में आता है कि और ज़्यादा लगाव एक मुख्यमंत्री के तौर पर बन जाए तो अलग बात हो? मैं इन सब चीज़ों को टेम्परेरी मानता हूँ। पार्टी में कार्यकर्ता परमानेंट पोस्ट है और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि पार्टी जो काम दे, जैसा भी काम दे, और जो काम पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है वो काम शायद ये जो आपने नाम लिए वो नहीं कर सकते। और इसलिए मेरे मन में है कि आज पार्टी को हमें बड़ा बनाना था, पार्टी को सर्वत्र फैलाना था। मैं तो जब मध्य प्रदेश भेजा गया तब भी आखिर पार्टी फैली हुआ, महाराष्ट्र भेजा गया, उत्तर प्रदेश भेजा गया, गुजरात रहा, तो ये जो सारी चीज़ आखिर पार्टी में काम करने वाले भी तो लोग चाहिए, तो कुछ तो ऐसा, इसलिए हमारे संगठन का ढांचा ऐसा है कि उसमें कुछ लोग, अभी मेरे पास पार्टी के संगठन का काम है तो मुझे जो काम पार्टी देगी, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी तय करेगा मेरे लिए, मैं वो काम करता हूँ। और इस समय मुझे पार्टी के संगठन का काम दे रखा है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मैं पार्टी का 3-3 बार राष्ट्रीय महामंत्री रह गया, लगभग आधे हिंदुस्तान के बड़े प्रदेशों का मैं प्रभारी रह चुका हूँ, तो ये क्या कम काम है क्या? बाकी सब चीज़ें तो टेम्परेरी है। ये जो काम है, अभी आपने कहा कि आपको सब जगह याद करते हैं, आपका कार्यकर्ताओं से स्नेह का कारण है कि संगठन का काम करने वाला व्यक्ति सदैव मन में रहता है कि मैं संगठन का काम करता रहूं। अच्छा, जो एक आरोप लगता है कि भले ही आप अभी राष्ट्रीय राजनीति में हैं लेकिन राजस्थान की राजनीति में आपका प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर दखलंदाजी का एक जो रवैया है, इसे आप पॉजिटिव तौर पर लेते हैं या फिर आपको लगता है कि जो ये शब्द हैं वो ये शब्द गलत हैं, क्योंकि आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, जमीन से कार्यकर्ता हैं यहाँ के? मैं आपके इस शब्द को सिरे से खारिज करता हूँ। मैं राजस्थान में जाया हूँ, आखिर क्यों नहीं होगा मेरा राजस्थान से, वर्षों तक राजस्थान में काम किया है, प्रत्येक राजस्थान से मेरा लाइव कांटेक्ट है, कार्यकर्ता से मेरा लाइव कांटेक्ट है, हर जिले में मेरा जाना आना जाता है, कार्यकर्ता के दुख सुख में खड़ा होता हूँ और इसलिए मेरा आना होता है, और मैं हमेशा इसको पॉजिटिव भाव से देखता हूँ। आपने पिछले 10-15 सालों में कभी नहीं देखा होगा, कोई मेरा व्यक्ति भी ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें जो आप भावना पैदा कर रहे हो ना, वो भावना मेरे मन में, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि आज पार्टी की वजह से मैं आज देश का लीडर बना हूँ। मैं राजस्थान में सीमित नहीं हूँ, आज पूरे देश में मेरी एक पहचान बनी है, और इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कल ये शब्द उपयोग करना पड़ा, कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पाली गए तो उनको भी करना पड़ा, यानी महापुरुषों के नाम गिना, तो उन्होंने कहा ये जिला हमारे ओमजी भाई साहब का भी जिला है। तो ये जो मान्यता मेरी है, ये मान्यता राजस्थान से प्रेम क्यों नहीं होगा, राजस्थान से आत्मीयता क्यों नहीं होगी? पार्टी के दिग्गज जानते हैं कि आप कितना कनेक्ट है यहाँ से, शायद यही वजह है कि बिल्कुल कनेक्ट हूं, में आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस मिल रही है जितनी सीएम राजे को। देखिए, इंपॉर्टेंस काम करने वाले को मिलती है, हर एक को मिलती है, क्यों नहीं मिलेगी?
सीएम का काम करेंगी, पार्टी पार्टी का काम करेगी, पार्टी का कार्यकर्ता कार्यकर्ता का काम करेगी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो आपने अभी रैलियों में देखा होगा, जो कार्यकर्ता मिलता है उनके नाम सहित पुकार करके, कुछ नहीं तो पीठ पे, कुछ नहीं तो हाथ मिला के मिलते हुए निकलते। तो जो संगठन से निकला हुआ व्यक्ति है उसके लिए कार्यकर्ता प्रथम होता है और इसलिए लोग याद करते हैं। अच्छा, आपका घोषणा पत्र अभी जारी हुआ, राजस्थान गौरव संकल्प पत्र, जब इसे जारी किया गया फिर से एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर दिखाई दी। तुरंत फौरन बाद कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जारी करके कही गई कि भाई झूठ का पुलिंदा एक बार फिर से आ गया, पिछले वायदे पूरे नहीं किए गए थे, फिर इस बार के जो वायदे हैं नहीं फहरिस्त है, इसके फेर में ना आए, इसके चक्कर में ना आए। तो क्या मतलब ब्राह्मणवाद या हिंदुत्व, इसे ज्यादा फोकस किया गया? उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। अच्छा होता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच में जाते, ये 5-6 लोग दिल्ली से आकर यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि कहीं कोई बोले तुरंत मीडिया के सामने जाओ और उल्टा सीधा कुछ भी बोलो, और स्वाभाविक है मीडिया कुछ दिखाएगा उनको। और ये निर्णय देखिए, हम लोगों की परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जनता देती है, तो वो तो 7 तारीख को पता लगेगा, और हमने कितना किया है वो भी 7 तारीख को पता लगेगा। अच्छा, गुजरात 2012 विधानसभा चुनावों की और 2014 लोकसभा चुनावों की बात करें तो बड़ी भूमिका आपने यहाँ पर निभाई, बड़ी जिम्मेदारियाँ यहाँ पर आपने निभाई, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है फिर भी वो एक पद जो बहुत बड़े स्तर पर मिलना चाहिए था, आपको लगता है अभी वो मिल नहीं पाया है? हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस कॉन्ट्रडिक्शन? 12 में भी कोई मान ही नहीं रहा था कि सरकार बनेगी, और क्या क्या नहीं बोला गया 12 में भी, लेकिन 12 के ध्यान में रख के ये तो मानिए कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए ख्वाब देख रहे हैं उनको मंदिर मंदिर घूमना पड़ा, उनको हमारी लाइन अडॉप्ट करनी पड़ी, उनको भी बूथ याद आया, राजस्थान में भी यही किया, मेरा बूथ गौरव, गौरव बूथ, और हुआ क्या, 200 जगह कपड़े फाड़े एक दूसरे के, और हम वहाँ पे भी लगातार जीते, 4थी बार सरकार बनी है वहाँ, और इसलिए और 26 की 26 लोकसभाएँ जीत के आए हम, निश्चित रूप से आगे भी 19 में भी इससे अच्छा रिजल्ट हम करने वाले हैं। अच्छा, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी बटी हुई है, बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस बटी हुई है, क्या लगता है कि कांग्रेस में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, इनके अपने अलग अलग खेमे हैं, लेकिन अभी सियासी रण में सब एकजुट होकर दिखाने की कोशिश? एकजुट का तो दृश्य आपने देख लिया टिकट बंटवारे को लेकर के, पर सवाल टोंक पर भी उठ रहे हैं माथुर साहब। नहीं, मैं आपको पूरा करता हूँ, एकजुट का तो ले लिया टोंक बंटवारा लेके, और कुछ अब कार्टून छप रहे हैं, एक तरफ हमारे भी छप रहे हैं, एक तरफ वो भी आपको देख लेना चाहिए, और जिस प्रकार से इनके एक दूसरे पे कटाक्ष हो रहे हैं वो जनता के बीच में। बिल्कुल, बस अब क्योंकि अब मैं रैप अप करूंगी, उससे पहले एक सवाल और यहाँ पर जरूर जानना चाहूंगी, टोंक को लेकर काफी ये था कि कांग्रेस अब इसे लेकर सीधे तौर पर जो है बीजेपी पर पलटवार कर रही है कि भाई आपने यहाँ से अजीत सिंह मेहता को उतारा, उसके बाद जैसे ही सचिन पायलट का नाम आया तो फिर आपने यूनुस खान को उतार दिया मैदान में, और अब टक्कर वो दे रहे, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, कार्ड खेलने की यहाँ पर कोशिश की गई, अब तक आरएसएस समर्थित उम्मीदवार को बीजेपी उतारती थी, अचानक से ये बदलाव क्यों? क्योंकि यूपी का पैटर्न लगा था यहाँ पर। पहले तो ये कहना गलत है कि आरएसएस समर्थक को पार्टी का कार्यकर्ता उतारती है पार्टी हमेशा, और अजीत मेहता भी पार्टी के कार्यकर्ता थे, ये मान के चलना चाहिए, इसमें कहीं आरएसएस का दखलंदाजी नहीं। और दूसरा, क्यों नहीं पार्टी स्ट्रेटेजिकली काम करेगी? क्या हम पॉलिटिकल दल के लोग नहीं है? किसी को फंसाना या करना या ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है। तौर पर मातृ साहब आप मानते हैं? मैं मानता हूँ, हमारी इसी बेबाकी, क्योंकि ये सवाल शायद कितने नेताओं से किया होगा, कोई मानने को? मैं मानता हूँ ये रणनीति का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है। मानिए, सुबह शाम सचिन पायलट को टोंक जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, वो भी पहले क्या कह रहे थे, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर अशोक गहलोत जी ने बोला नहीं हम सब चुनाव लड़ेंगे, फिर अब सचिन जी कह दें मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा तुमको चुनाव लड़ना, मैं पहली बार विधानसभा लड़ रहा हूँ, हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं कह रहा। ये जो है ना पिछवाड़े से वार करना, ये कांग्रेस ने सीख लिया है और जनता भी समझ गई है इनको अच्छी तरह से। आप देखिए 14 के बाद ये सोचे अपने हालचाल, सिमटते जा रहे हैं, एक दो जगह बचे हैं, और शायद अब वो एक दो जगह भी इनके हाथ से जाने वाली है, और इसलिए जितना ये इस प्रकार से बोलेंगे, यानी कोई कांग्रेस का लीडर, और राहुल गांधी सिर्फ उनको ये थ्रेटनिंग दे के रह जाते हैं, यानी पूरे समाज में सीपी जोशी ने डिवाइजेशन किया है,
विलासराव मुत्तेवार पिता के बार बोले, अरे नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम भी नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी लिखा रहता। ये पिता वो पर पहुंचना आपको लगता है ये राजनीति का स्तर जो है काफी, ये विरोधी बेल्ट है और ये कांग्रेस पहले का, ऐसे नहीं देखा ये जाता कांग्रेस का घटियापन है और कांग्रेस बौखला गई है। ये कांग्रेस को हमारे खिलाफ बोलने को है नहीं, मोदी के खिलाफ बोलने को है नहीं कुछ, अमित शाह जी के खिलाफ बोलने को है नहीं, इसलिए कह रहे हैं उल्टे सीधे। और मैं तो अशोक गहलोत जी बहुत सम्मान करता था, लेकिन जिस प्रकार से गहलोत साहब भी अपने शब्दों का चयन कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है राजस्थान की पॉलिटिक्स में। राजस्थान हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हुए हैं। चलिए बस आखिरी सवाल, मैं अभी भी मेरी पार्टी के लोगों को भी और कांग्रेस के लोगों से भी विनती हूँ कि राजस्थान का सौहार्द चुनाव की वजह से नहीं बिगाड़े। आखिरी सवाल ये कि राम मंदिर का मुद्दा विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाई ये सिर्फ चुनावी माहौल में बीजेपी को याद आता है, वैसे याद नहीं आता, क्या ये मुद्दा लोकसभा चुनावों तक भी खिंचकर चलेगा या वाकई गंभीर है सरकार और केंद्र सरकार राज्य सरकार? राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का श्रद्धा का केंद्र है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बने, लेकिन हम नहीं, देरी नहीं, मैं पूरी कर रहा हूँ बात, लेकिन हम संविधान से बंधे हैं, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संविधान से सबको बंधा रहना चाहिए। आपको बता दूं, जब कोर्ट ने कहा, कोर्ट में मामला था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने एफिडेविट देकर के कहा कि जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, हम देरी करते तो एफिडेविट क्यों देते? और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता वो जाके खड़े होते हैं 19 के बाद सुनवाई हो, तो देरी कौन कर रहा है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, मैं कांग्रेस के लोगों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर के बारे में वो स्थिति स्पष्ट करे कि कपिल सिब्बल खड़े क्यों हुए वहां देरी करने के लिए। ड्यूरिंग चुनाव चलते देते, जब कोर्ट चाहता था जल्दी सुनवाई हो तो उन्होंने 19 के बाद, क्योंकि उनको भय लग रहा है, वो नहीं चाहते भगवान राम की जगह, वो नहीं चाहते कि मंदिर बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। चलिए इतना तय कि चुनावी समर में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब मिल भी रहे हैं, जिनके कुछ जवाब टाले भी जा रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश माथुर जी आपसे बातचीत के दौरान जो बात आपने यहाँ पर स्वीकारी है और जो बेबाकी के साथ एक तो टोंक का कहा, एक मतभेद और मनभेद में बखूबी अपनी बात यहाँ पर कही, वो वाकई काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत यहाँ पर करने के लिए। तो नतीजे सामने आएंगे तब मालूम चल पाएगा कि आखिर राजस्थान की जनता की नब्ज टटोलने में कौन सी पार्टी कामयाब हुई है, लेकिन कड़ी टक्कर है और उम्मीद की जा रही है कि जनता उसी को अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी जिस पर वो अपना विश्वास आगे कायम रख पाएगी, ताकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, राजस्थान विकास में एक नई लहर सामने रख सके। फिलहाल फेस टू फेस में हमारे साथ इतना ही, आगे फर्स्ट इंडिया न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।